मैं इस वक्त मौजूद हूँ भेड़िया के रसूस इलाके में, जहाँ पर ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। यहाँ पर बाराबंकी के जो डीएफओ हैं वो भी मौजूद हैं, पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या तैयारी चल रही है इस समय, मैम क्या तैयारी चल रही है भेड़ियों को पकड़ने को लेकर। जी, वन विभाग के अधिकारी यहाँ हैं और उनके नेतृत्व में स्पेशलाइज्ड एक टीम है जो ड्रोन्स के माध्यम से गन्ने के खेतों को स्कैन कर रही है, जहाँ उनकी अनुमानित लोकेशन पाई जा रही है। और पहले आज सुबह तीनों की एक जगह लोकेशन पाई भी गई है, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्लियरली नहीं दिखाई दिया जा रहा है। हमने भी बड़ी संख्या में फोर्स मोबिलाइज किया है ताकि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन आती है तो हम उसमें रिस्पॉन्ड करने में सक्षम रहे। और वन विभाग द्वारा भी बहुत से लोगों को मोबिलाइज किया है जिनके पास सभी संसाधन उपलब्ध हैं, और यदि वुल्व्स एक ही लोकेशन में पाए जाते हैं तो कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द तीनों को एक साथ ट्रैप कर कार्रवाई की जाए। आप देखिए, कप्तान साहब कहना है कि जल्दी उन्हें पकड़ा जाएगा। आप देखिए, इस तरफ मैं कहूँगा दिखना है कि एक ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरा चलाया जा रहा है ताकि भेड़िए इनके इनकी कवरेज में आ जाए, इनकी एरिया में आ जाए और उनके साथ उनको पकड़ा जा सके। बहराइच में विगत दो माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही है कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी, और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व, विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। भेड़िया बच्चों को उठा करके लेके जा रहा है तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं जहाँ घटना घट जाती है। और जब उनका विधायक, उनका सांसद, उनका सदस्य जिला पंचायत, उनका प्रधान स्वयं मोर्चा संभाल करके खड़ा हो जाता है तो उनका भी मनोबल ऊंचा हो जाता है। और जब जनता का मनोबल ऊंचा होता है, समाज का मनोबल ऊंचा होता है, तो भेड़िया क्या है, वो तेंदुए से भी लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं इस समय, ये सिकंदरपुर चौराहा मैसी इलाके का, क्यों ड्यूटी दे रहे हैं? पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि भेड़िए से बचाव के लिए बच्चों को अपने अंदर रखें,
और सड़कों पर अपना गश्त करते रहे। तो ये फॉरेस्ट के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हर तरीके से अपने बच्चों को बचाएं, दरवाजे बंद रखें। ये देखिए कुछ लोग कॉमिंग कर रहे हैं, इनकी इधर देखते हैं, आइए नीचे, ये क्या कर रहे हैं खेतों में ये लोग? आप लोग खेतों में क्या कर रहे हैं इस समय रात में? आप देखिए ये लोग जो है भेड़िए की तलाश कर रहे हैं खेत में। आइए मैं दिखाता हूँ इनको, ये गन्ने का खेत ढूंढ रहे हैं। हमें अपने कैमरामैन दिखाया किस तरीके से ग्रामीण जो है अपने बच्चों की हिफाजत के लिए यहाँ पर दौड़ रहे हैं और खेतों में आदमखोर भेड़िए की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इतनी रात में खेत में क्या कर रहे हैं और ये क्या तलाश कर रहे हैं? यहाँ पर भेड़िया तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर अभी दिखा था इस गन्ने में, तो वही तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसी को मारे पीटे ना, किसी को मारे पीटे ना। इसलिए ये लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए उस आदमखोर भेड़िए की तलाश कर रहे हैं इन खेतों में, जहाँ पर जिन खेतों में ये भेड़िए अपना परवास किए हैं। झुंड है इनका पूरा, ड्रोन कैमरे में काफी भेड़िए नजर भी आए हैं। पूरा इलाका दहशत में है, विधायक बंदूक लेकर रातों में निकलते हैं, डीएम एसपी पूरा प्रशासनिक अमला वन विभाग की टीम सारे लोग रातों को जगजगा कर रहे हैं। डेढ़ महीने में कम से कम 8 बच्चों को अपना शिकार बना चुका है आदमखोर भेड़िया, एक महिला भी घायल हुई है।